हेलो गाइस दिस इज अर्चना चौहान वेलकम टू टारगेट स्टडी पॉइंट एंड टुडे वी विल सॉल्व पजल्स दैट इज डिपेंड ऑन मैच स्टिक्स ठीक है तो कुछ मैच स्टिक्स के रिगार्डिंग पजल्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है सो फर्स्ट वन इज देर आर ट्वेल्व स्टिक्स कैन यू रिमूव एक्जैक्टली टू सो दैट एग्जैक्टली टू स्क्वेयर्स रिमेन ठीक है मैच स्टिक की हेल्प से यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हुआ है ठीक है देर आर ट्वेल्व स्टिक्स ठीक है तो आपको एग्जैक्टली टू मैच स्टिक्स यहाँ से हटा देनी है रिमूव कर देनी है बट रिमूव इस तरीके से करनी है कि हमें एग्जैक्टली टू स्क्वेयर्स मिल जाए ठीक है जस्ट थिंक एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स सी देखो यहाँ पर हमारे पास ट्वेल्व स्टिक्स हैं सो वी कैन रिमूव एनी टू है ना कोई टू हमने हटानी है तो चेक कर लेते हैं देखो अगर ये दो मैच स्टिक्स हम हटाते हैं देन वी हैव थ्री स्क्वेयर्स तो डेफिनेटली अगर बाउंड्री से कोई भी टू मैच स्टिक्स आप रिमूव करोगे तो हमें थ्री स्क्वेयर्स ही मिलेंगे ओके तो यू कैन डू जस्ट रिमूव टू स्टिक्स इन बिटवीन ठीक है ये जो दो मैच स्टिक्स हैं इनको इनमें से कोई आप एक हटा देते हैं ठीक है तो सॉल्यूशन देखो क्या होना चाहिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा मैचस्टिक ओके सराउंडिंग मैचस्टिक्स को आपने कुछ नहीं कहना है उनको एज इट इज रखे रहने देना है ओके okay? सो so, कुछ ऐसे ये मैचस्टिक्स हैं राइट इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको भी ऐसे रहने देते हैं ओके okay? मैंने क्या किया ये वाली स्टिक और ये वाली स्टिक्स को रिमूव कर दिया सो नाउ यू कैन सी वी हैव एग्जैक्टली टू मैच टू स्क्वायर स्क् स्टिक्स ठीक है तो एक स्क्वायर ये कंप्लीट वाला एंड एक ये इनसाइड वाला ओके आई होप यू लाइक द पजल नाउ कम टू नेक्स्ट नाउ दिस इज अ गेम ऑफ मैच स्टिक्स ठीक है मैच स्टिक्स की हेल्प से आपको एक गेम यहाँ पर गिवे ने ठीक है जस्सी देर आर थ्री डिफरेंट फिगर्स मेड आउट ऑफ एट मैच स्टिक्स ठीक है आप ये जो थ्री फिगर्स आपके सामने हैं इन तीनों फिगर्स को हमने एट मैच स्टिक्स की हेल्प से ड्रॉ किया है ओके बनाया है यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन दिस ट्राइंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना इसमें भी एट फिगर्स हैं तो एक हमने यहाँ पर ठीक है ये आपने एक आ, फिगर यहाँ पर बनाए हुए हैं थ्री ओके सो दे आर ऑल डिफरेंट इन साइज तीनों के तीनों ही साइज में डिफरेंट हैं वॉट विड बी वुड बी द बिगेस्ट पॉसिबल फिगर यू कैन मेक आउट ऑफ दीज एट एट मैच स्टिक्स तो आपको ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी पॉसिबल फिगर होगी जो इन एट मैच स्टिक्स की हेल्प से बन सकती है ठीक है तो जस्ट थिंक एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स जस्ट पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट योर सेल्फ ना सी द आंसर सो यू कैन सी वी हैव हेयर एट स्टिक्स सो वॉट विल बी द बिगेस्ट फिगर सो यू कैन से इट कैन बी आ सर्कल दैट कैन मेक विद दीज एट मैच स्टिक्स बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज दीज आर मैच स्टिक्स है ना तो ये सर्कल में तो कैसे जाएंगी बट सर्कल के शेप में देखो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ठीक एक सर्कल बनाते हैं लेट सपोज ये है ना कुछ ऐसे दिस वन एंड दिस वन and this one this one and one majestic is here and count them one two three four five six seven eight so this is the form of a circle but with the majestic it is quite impossible to make a circle so it is the similar figure it is the similar figure like a regular ऑक्टागन ठीक है अगर मैं रेगुलर ऑक्टागन की बात करूं तो इट इज़ सिमिलर टू लाइक अ सर्कल ठीक है तो व्हाट इज द बिगेस्ट फिगर व्हिच कैन मेक विद दिस इट माच स्टिक्स दैट इज रेग्युलर ऑक्टागन now in this question you need to find a rule which gives the number of matchsticks needed to form the pattern shown alongside the ठीक है यहाँ पर जो आपको आ, कुछ डायग्राम्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि मैचस्टिक की हेल्प से बने हुए हैं तो आपको इसके लिए रूल फाइंड कर कर देना है ठीक है तो रूल फाइंड करने का सबसे पहला इसमें जो आ, काम करना होता है दैट इज

नंबर ऑफ पैटर्न कितने नंबर ऑफ पैटर्न है ठीक है नंबर ऑफ पैटर्न इसको भी लैट कर लेते हैं लैट इट इज़ बी नंबर ऑफ पैटर्न को हमने बी सपोज कर लिया है अब इसके लिए रूल हमने फाइंड करना है तो रूल क्या होगा नंबर ऑफ़ मैचिस्टिक्स हमने बताने कि कितने नंबर ऑफ़ मैचिस्टिक्स ज़रूरत पड़ेगी पैटर्न को बनाने के लिए अगर हमें आगे भी पैटर्न बनाना हो तो कैसे होगा सो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितना हो गया A, और एक पैटर्न में लगने वाले नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितने हैं दैट इज फाइव और नंबर ऑफ पैटर्न कितने मिल रहे हैं दैट इज बी ओके सो यू कैन से नंबर ऑफ मैच मैचिस्टिक्स नीडिड टू फॉर्म द पैटर्न ऑफ दिस वी हैव फाइव क्रॉस बी फाइव मल्टीप्लाई बाई बी चेक कर लेते हैं चेक करिए यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक फिगर के लिए चेक करूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी वन क्योंकि मुझे मेरे पास क्या बन रहा है एक पैटर्न बन रहा है सो नंबर ऑफ स्टिक्स क्या आ जाएंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज फाइव स्टिक्स ओके इफ़ आई हैव नंबर ऑफ पैटर्न्स टू मेरे पास अगर टू पैटर्न है इट मींस वैल्यू ऑफ बी विल बी टू दैन इन केस नंबर ऑफ स्टिक्स दैट इज एक्वल इन टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू इट इज टेन ठीक है तो दोनों फिगर्स में अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ माचस्टिक्स कितने बनेंगे टेन दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्चस्टिक्स ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ लुक एट द पैटर्न ऑफ स्क्वेयर्स मेड विद मार्चस्टिक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर आपको एक पैटर्न गिवन है विद द हेल्प ऑफ मार्चिटिक्स ठीक है इसको देखना है और समझना है और उसके बाद आपको फाइव स्क्वेये सिक्स स्क्स टेन स्क्वायेर्स ट्वेंटी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायेस को बनने वाले इन स्क्वायेस को बनने में कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको बताना है ओके तो इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड जनरल फॉर्मूला ठीक है पहला काम क्या करेंगे जनरल फॉर्मूला हम फाइंड कर लेंगे ओके okay, तो जनरल फॉर्मूला फाइंड करने का टेक्निक यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड इन वन स्क्वायर दैट इज़ फोर ठीक है एक स्क्वायर को बनाने में हमें मैथस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है फोर की ओके बट नेक्स्ट वाले को चेक करूँ इसमें जो मैथस्टिक्स हैं दो स्क्वायर्स अलग अलग नहीं हैं ठीक है टू स्क्वेयर्स अलग अलग नहीं हैं इसका मतलब क्या होगा कि कुछ फॉर्मूला डिफरेंट होगा ठीक है तो लेट सपोज लेट सपोज जो नंबर ऑफ माच स्टिक्स हैं है ना लेट सपोज यहां मैं इसको कर देती हूँ लेट नंबर ऑफ माच स्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ओके ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई ठीक है वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वाट द रूल रूल क्या आएगा देखो यहाँ पर रूल क्या हो जाएगा एक स्क्वायर में लगने वाला मार्च स्टिक्स कितना है फोर ठीक है तो क्या इस फोर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ थ्री नंबर ऑफ स्क्वायर मीन्स वन ठीक है तो इट्स मीन्स थ्री वाई प्लस वन चेक करो Y की वैल्यू जो नंबर ऑफ फोर आ जाएंगी ठीक है तो रूल में यहाँ में क्या लिख रही हूँ नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स ए तो मेरे लिए रूल क्या आ गया कि जो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स है वो थ्री वाई प्लस वन हो सकते हैं ठीक है थीके? ये तो मैंने y इक्वल्स टू वन के लिए चेक किया अब चेक करो y इक्वल्स टू टू नंबर ऑफ़ स्क्वेयर्स कितने हुए टू हुए तो y के प्लेस पर टू रख कर देख लेते हैं तो y की वैल्यू अगर टू है है ना y की वैल्यू जब वन थी तो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितने मिले फोर जब y की वैल्यू टू है तो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितने हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन सो इट इज सिक्स प्लस वन दैट्स मीन सेवन काउंट कर लो क्या सेवन स्टिक्स ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक्जैक्टली सेवन नाउ चेक फोर बाई इक्वल्स टू थ्री क्योंकि मेरे पास क्या है नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने बन रहे हैं थ्री फॉर्म हो रहे हैं दैट्स वाई नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स थ्री वाई वाई मतलब नंबर ऑफ स्क्वेयर्स प्लस वन सो इट इज नाइन प्लस वन मीन्स टेन ठीक है तो इट्स मीन्स कि ये मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया ओके okay. सो so, अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हो, फाइव तो अकॉर्डिंग टू माय जनरल फॉर्मूला इट इज नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स ए इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस वन एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ फाइव स्क्वेयर्स, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस वन सो नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स नीडेड थ्री फाइव ज फिफ्टीन प्लस वन इट मीन्स सिक्सटीन मैचिस्टिक्स ठीक है फाइव स्क्वायर्स के लिए हमें कितने मैच स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी सिक्सटीन स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी नाउ इफ वी हैव नंबर ऑफ स्क्वायर सिक्स दैन इन प्लेस ऑफ वाई वी विल राइट सिक्स प्लस वन सो थ्री सिक्स एटीन प्लस वन दैट्स मीन मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड 19 now if we have number of squares 10 then number of matchsticks uh, match required for 10 squares it is 3 multiplied by 10 plus 1 now 3 times are 30 plus 1 31 so 31 matchsticks will be required to make 10 squares now if we have 20 squares then 3 multiply by 20 plus 1 so 3 to just 60 plus 1 ओके सो यहाँ से जो ए की वैल्यू हो जाएगी मीस नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दैट इज सिक्सटी वन ठीक है तो देखा आपने कितना आसान हो गया हमारे लिए कि एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है अब उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप दे दीजिए और यहाँ से हम नंबर ऑफ स्टिक्स फाइंड कर लेंगे सो इट इज़ द जनरल फार्मूला अगर हमारे पास बाई स्क्वायर्स हैं सो इट इज़ थ्री वाई प्लस वन गॉटेड ना अब हमें इसी फॉर्मले की हेल्प से इस टेबल को फिल करना है तो चेक करो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर वन है तो नंबर ऑफ मैचिटिक्स रिक्वायर्ड कितने होंगे इट इज़ फोर ऑलरेडी बी फाइंड इट एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इफ वी हैव टू दैन मैचिस्टिक्स वी विल हैव सेवन एंड थ्री अगर हमारे पास है दैट इज ऑलरेडी डन हयर सो वी हैव टेन मैचिस्टिक्स सो चेक फोर फोर अगर फोर होगा तो कितना होगा चेक कर लेते हैं स्टिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू फोर प्लस वन इट इज थ्री फोर ज ट्वेल्व प्लस वन मीन्स थर्टीन ओके तो दीज आर थर्टीन स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फोर स्क्वायर्स इफ यू हैव एट द नंबर ऑफ स्टिक्स इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाय एट प्लस वन सो इट इज ट्वेंटी फोर प्लस वन इट मीन्स ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव विल बी रिक्वायर्ड Okay, I hope it is understood to you.